दिनांक 16 मार्च 2024 को आदर्श आचरण संहिता भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लागू की गई थी और उसके बाद से अशोकनगर पुलिस के सभी थाना प्रभारियों ने बहुत पूरी ताकत से कार्रवाई की है और इस दौरान लगभग 42,000 लीटर शराब पकड़ी गई है, 120 किलो गांजा पकड़ा गया है और 10 आर्म्स फायर आर्म्स पकड़े गए हैं, 27 जो शार्प एज वेपन है वो पकड़े गए हैं, 14 इसमें जिंदा राउंड भी पकड़े गए हैं और इसके अलावा लगभग 950 हम लोगों ने स्थायी वारंट तामील कराए हैं। तीसरे चरण की वोटिंग के लिए 9 सीटों पर रविवार शाम को प्रचार थम जाएगा। 7 मई दिन मंगलवार को भोपाल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, सागर, विदिशा, राजगढ़ और बैतूल सीट पर मतदान होगा। अशोकनगर सहित जिले भर में पुलिस प्रशासन द्वारा अर्धसैनिक बलों को साथ लेकर फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं जिससे चुनावी दौर में लोग भयमुक्त होकर मतदान कर सकें। SP विनीत कुमार जैन ने पुलिस प्रशासन का नेतृत्व करते हुए चुनावी माहौल में शांतिपूर्ण मतदान को दृष्टिगत रखते हुए क्या कुछ तैयारियां की हैं, इस पर पुलिस अधीक्षक ने रेडियस मीडिया पर जानकारी दी। और करीब 6,000 लोगों के खिलाफ बाउंड ओवर की कार्रवाई की है, 400 लोगों के खिलाफ 110 की कार्रवाई की है और करीब 21 लोगों को जिलाबदर किया, आज तक मिला के शायद 23 लोग जिलाबदर हो चुके हैं और इन कार्रवाइयों के कारण जो असामाजिक तत्व हैं उनमें ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश गया है और संदेश देने की हम लोगों ने ये कोशिश की है कि कोई भी असामाजिक तत्व निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया के दौरान अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसका उद्देश्य ये है कि सभी जो जन सामान्य हैं वो निर्भीक होकर और निष्पक्ष होकर जो भी उनके मन में है उसके हिसाब से अपना मतदान अवश्य करें। इसी क्रम में अशोकनगर जिले के जाने माने समाज सेवी और वरिष्ठ डॉक्टर DK जैन ने जिले के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि सभी मतदाता बंधु अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मतदान करें और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मैं आप सभी लोगों से, मतदाता बंधुओं से विनम्र अनुरोध करता हूं कि लोकसभा का चुनाव राष्ट्र निर्माण के लिए एक बहुत आवश्यक है और इसमें अपने को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए एवं अधिक से अधिक मतदान करेंगे। रेडियस मीडिया के लिए अशोकनगर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट।